हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज पिंक स्पेस। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। और आज मैं जा रही हूँ पुणे सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। मैं सोचा आपको भी साथ में ले चलती हूँ, नज़दीक में ही, और मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी इसकी बातें सुनी कि काफ़ी अच्छी प्लेसेज यहाँ पे, म्यूजियम है, पैलेसेज है, फोर्ट है। तो हम लोग पहले शनिवार वाड़ा जाएंगे और भी चीज़ें, बहुत सारी जगह जाएंगे वैसे तो हम लोग, तो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग बैठ गए हमारी गाड़ी में कैरेंस में और हम निकल पड़े हैं पुणे की जाने के लिए। सो हमारे साथ बने रहिएगा। हमारी गाड़ी अच्छा खासा माइलेज दे रही है, जैसे कि कैरेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि गाड़ी बहुत अच्छा माइलेज देती है डीजल में, तो हमने डीजल ही परचेज किया जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो अभी स्टार्टिंग में 14 दे रही थी, 14 एंड 15, अभी लेकिन दिखा रहा है कि वो 20.3 माइलेज दे रही। सिटी की बात कर रही हूँ मैं। और अभी जैसे कि हम लोग पुणे जा रहे हैं, तो हम लोग एक्चुअली माइलेज भी टेस्ट करना था कि हाईवे पे कितना अच्छा माइलेज देगी। जैसे कि हमने सुना है कि 22 तक जाती है माइलेज के लिए, अभी देख सकते हैं आप। हम बस शनिवार वाड़े के पार्किंग में खड़े हैं। यहाँ पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गाइस, तो आप 9 से 12 के बीच में आइए तो आपको पार्किंग भी मिल जाएगा, आप अच्छे तरीके से घूम भी पाओगे। गाइस, स्किन केयर रूटीन का सबसे पहला स्टेप होता है फेस वॉश करना। फेस वॉश करने के बाद आपने भी नोटिस किया होगा कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और जब हम फेस वॉश, इसकी वजह से हम फेस वॉश चूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहता हो जाता है कि हमें कौन सा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। और फेस वॉश यूज़ करने के बाद हमारी जब स्किन ड्राई हो जाती है, तो उसके बाद हम बहुत सारे मॉइस्चराइजर एंड लोशंस लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन और ज़्यादा ऑयली हो जाती है। इसलिए मामाअर्थ लेकर आए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, जो कि है मामाअर्थ हनी मलाई फेस वॉश। ये फेस वॉश यूज़ करने के बाद आपकी स्किन जो पहले ड्राई होती थी, ये फेस वॉश यूज़ करने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल भी आपको ड्राई फील नहीं होगी, और जो भी आपके स्किन पे डर्ट वगैरह भी है वो अच्छे उसको अच्छी तरीके से क्लीन भी कर देगा। इसमें जो हनी मलाई का जो फॉर्मूला है, उसके वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग भी लगेगी। गाइस, आप मेरी स्किन देख सकते हो, मामाअर्थ की फेस वॉश लगाने से पहले मैंने लगाया मामाअर्थ हनी मलाई फेस वॉश। उसको जेंटली क्लीन करूंगी, मैं रब करूंगी, अच्छे तरीके से मसाज करूंगी, ताकि जो भी डर्ट है मेरे फेस पे वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाए मुझे, ताकि अच्छे तरीके से ग्लोइंग स्किन मिले और एकदम स्मूथ स्किन मिले। इसलिए मैं अच्छे तरीके से मसाज कर रही हूँ मेरे फेस पे, आप इस तरीके से मसाज करके देख सकते हो। और मैंने काफ़ी देर तक मसाज की है और आफ्टर इफेक्ट आप देख सकते हो। उसके बाद फेस वॉश कर दिया था मैंने पानी से, आप देख सकते हो कितना तक ग्लोइंग लग रही है मेरी स्किन। और उसके बाद मैंने लिया था मामाअर्थ का हनी मलाई ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। ये मॉइस्चराइजर ऐसा है ना गाइस, लगाने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल भी आपको ऑयली और स्टिकी, जो चिपचिपापन लगता है ना फेस पे, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये नॉन स्टिकी फार्मूला है मामाअर्थ की तरफ से, मैंने ऐसे छोटे छोटे लगा लिया था। उसके बाद मैंने इसको भी अच्छी तरीके से मसाज किया, ताकि मेरी स्किन में ये मॉइस्चराइजर अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए और मुझे एकदम ग्लोइंग स्किन मिले, स्मूथ स्किन मिले। इसलिए मैंने इसको अच्छी तरीके से मसाज किया मेरी स्किन पर। आप भी ये स्किन केयर रूटीन ट्राई कर सकते हो घर बैठे। गाइस, आप ग्लो देख सकते हो मेरे फेस पर, कितना ज़्यादा अच्छा ग्लो आया है। गाइस, ये मामाअर्थ का हनी मलाई फेस वॉश है। जो हनी है वो आपकी स्किन को प्योरीफाई करेगी और मलाई स्मूदन करेगी। आप देख सकते हो ये नरिशिंग ग्लो भी देती है, मेड सेफ है, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है और क्रुएल्टी फ्री भी है ये। और ये 100 ml आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। गाइस, आफ्टर यूजिंग मामाअर्थ फेस वॉश, उसके बाद आपको लगाना है मामाअर्थ का हनी मलाई ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। ये एक ऑयल फ्री फार्मूला है, जब भी आप अप्लाई करोगे उसके बाद आपको आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं फील करवाएगी। और गाइस, मलाई और हनी एक ऐसा इन्ग्रीडियंट है किचन का, जो हम सोचते हैं कि हम फेस पर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा चिपचिपापन लगेगा, लेकिन ये स्किन केयर रूटीन में अगर आप ये यूज़ करोगे, ये वाला मलाई ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर, आपकी स्किन बिल्कुल भी आपको चिपचिपी नहीं लगेगी, एकदम अच्छा सा नेचुरल सा ग्लो देगा, आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा हेल्दी लगेगी। गाइस, मामाअर्थ एक इंडियन ब्रांड है और इनका प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जब भी आप प्रोडक्ट बाय करते हो मामाअर्थ के वेबसाइट पर, वो लिंक करते हैं आपके ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू वर्ड जो वो प्लांट करने वाले हैं। 2025 तक मामाअर्थ एम कर रहा है 1 million tree ग्रो करना।
गाइस अभी मामाअर्थ ऑफलाइन भी प्रेजेंट हो गया है, आपके नियरेस्ट स्टोर में आपको मिल जाएगा। और जब भी आप कोई मामाअर्थ का स्टोर देखोगे तो मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। और मामाअर्थ का प्रोडक्ट अवेलेबल है अमेजोन, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल पे और मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और एप्लीकेशन पे भी। गाइस आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे Space2023 आपको 20% ऑफ भी मिल जाएगा, और ये कूपन कोड वैलिड है मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और एप्लीकेशन पे। आप शनिवार वाड़ा देख सकते हैं, शनिवार वाड़ा जो है गाइस मराठी वर्ड है जिसका मतलब होता है शनिवार, मतलब होता है सैटरडे, वाड़ा मतलब होता है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। हम लोग 12 बजे के बाद आए थे तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रश बढ़ गया था, तो 12 बजे से पहले आइएगा। शनिवार वाड़ा 13 स्टोरी पैलेस है जो बाजीराव वन ने बनाया था 1736 में, और ये हेडक्वार्टर्स था पेशवास का और पुणे के कल्चर को सिंबलाइज करता है ये। गाइस जो मेन एंट्रेंस दिख रहा है इसको दिल्ली दरवाज़ा बोलते हैं और दिल्ली गेट भी बोलते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे गेट हैं, आप जैसे ही अंदर एंटर करोगे, अभी तो हम दिल्ली गेट के यहाँ खड़े हैं। और इसका एंट्रेंस फ़ी है ₹25 है, आप देख सकते हो जो हमने एंटर किया है काफ़ी अच्छा था, स्टार्टिंग में पूरा गार्डन है। गाइस शनिवार वाड़ा जो है 625 एकर्स में पूरा फैला हुआ है। गाइज उस टाइम पे ये पहले 16,110 रुपीज़ में बना था, उस टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पैसे थे ये। गाइज अभी आप जो देख रहे हो दिल्ली दरवाजे के ऊपर बना हुआ है, इसके ऊपर और 7 स्टोरी थी लेकिन वो आग में जल गई थी, उसकी वजह से एक ही रह गया था। और ये आप गार्डन जो देख रहे हो यहाँ पे लॉकडाउन से पहले लाइट शो और फाउंटेन शो हुआ करता था, जिसका प्राइस भी कुछ ₹25 फीस थी उसकी देखने के लिए, लेकिन अभी वो बंद हो गया है शायद से चालू हो, क्योंकि यहाँ पे काम भी चल रहा है बहुत ज़्यादा रिस्टोरेशन का। आप देख सकते हो यहाँ पे काम चल ही रहा था, हम लोग दोपहर के टाइम आए थे तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी थी, आप लेकिन मॉर्निंग में आओगे तो अच्छा आपको पूरा खाली मिलेगा, हम लोग जब आए उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रश था। तो आप ये पैलेस अच्छी तरीके से घूम सकते हो, ऐसे पूरे चारों तरफ ऐसे घूमने के लिए है ये, आप इस पर चढ़ के ऐसे फर्स्ट फ्लोर पर आके आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो ये शनिवार वाड़ा आराम से। गाइस यहाँ पे शनिवार वाड़े के बाजू में ही लाल महल है, हम लोग एक्सप्लोर करना भूल गए थे, लेकिन आप शनिवार वाड़ा आ रहे हो तो लाल महल भी एक्सप्लोर कीजिएगा। उसके बाद हम चल पड़े थे आगा खान पैलेस में, क्योंकि हमारे पास एक ही दिन था, हमें सब चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी। गाइस उसके बाद हम पहुँचे आगा खान पैलेस, आगा खान पैलेस 9 to 5 PM तक ओपन रहता है और नेशनल हॉलीडेज पे बंद भी रहता है ये। आगा खान पैलेस 1892 में बनाया गया था बाय सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान थर्ड, जो कि 48 इमाम है और स्पिरिचुअल हेड है खोजा कम्युनिटी के भी। गाइस ये पैलेस बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है इंडिया के स्ट्रगल के टाइम पे, जब हम फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो जब महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था 8 अगस्त 1942 को, तो ब्रिटिश ने उनको अरेस्ट कर लिया था और इस पैलेस में लाके उनको बंदी बना दिया था। महात्मा गांधी के साथ साथ उनकी बीवी कस्तूरबा गांधी और उनकी पर्सनल सेक्रेटरी महादेव भाई देसाई, सरोजनी नायडू, प्यारेलाल नायर और डॉक्टर सुशीला नायर को भी लाया गया था यहाँ पे। गांधी जी और उनके साथियों को यहाँ पे 2 साल रखा गया, फिर उनको 6 मई 1944 को रिलीज़ कर दिया, और उसी के दौरान महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी ने अपनी आखिरी सांसें ली इसी पैलेस में। गाइस ये पैलेस 19 एकर्स ऑफ लैंड में पूरा फैला हुआ है, और मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी कि इतना साफ़ सुथरा था, किसी ने भी यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंक रखा था। तो गाइस आप जब भी ये सब चीज़ें हिस्टोरिकल चीज़ें या कहीं पर भी आप विजिट करते हो तो कचरा वचरा नहीं फेंकिए, तो हम ये सब चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना चाहिए कि आगे वाली जनरेशन भी देख सके ये सब चीज़ों के बारे में। गाइस आप आगा खान पैलेस के बारे में पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, और गाइस इस म्यूज़ियम में गांधी जी के बहुत सारी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी और डिस्प्ले की, जैसे उनकी फ़ोटोग्राफ्स, पिक्चर्स, उनके पर्सनल आइटम जैसे उनके कपड़े, यूटेंसिल, स्लीपर्स और जो लेटर्स भी यहाँ पे हैं जो उन्होंने अपने सेक्रेटरी के डेथ पे लिखे थे। गाइज इस प्रेमाइसिस के अंदर हैंडलूम भी है, हैंडलूम टेक्सटाइल और खादी भी। गाइज अगर आप मुंबई या आसपास में रहते हैं तो आपको पुणे ज़रूर विजिट करना चाहिए, काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, सबसे बेस्ट मुझे आगा खान पैलेस है, बहुत सारी चीज़ें नई नई चीज़ें मालूम पड़ी हमें। आप देख सकते हो उसको कितने अच्छे तरीके से रखा गया पूरा प्रिजर्व करके, इसी तरीके से अगर चीज़ें रखी जाए तो हमें भी जानने में आसानी होती है। तो आप देख सकते हो ये सब जगह है जहाँ पे गांधी जी को बंदी बना के रखा गया था, उसको वैसे की वैसे सब चीज़ें प्रिजर्व करके रखी गई है कांच में, आप देख सकते हो। वैसे हम और भी जगह घूमना चाहते थे पुणे में, लेकिन एक दिन काफ़ी कम पड़ गया हमें, हम सिर्फ 2-3 जगह घूम पाए, और हम वापस पार्ट 2 वीडियो आएंगे लेके, और जितना हो सका हमने उतना ट्राई किया घूमने के लिए, काफ़ी अच्छा लगा हमें पुणे फर्स्ट टाइम हमने विज़िट किया। और कौन सी जगह गाइज हमें विज़िट करना चाहिए पुणे में, आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताएगा। अगर आपको ये हिस्ट्री अच्छी लग रही है जो मैं बता रहा हूँ, छोटे छोटे फैक्ट्स बता रही हूँ आपको मैं, आपको वो अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब बटन हिट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को।
गाइस अभी हम जा रहे थे कस्तूरबा गांधी और महादेव भाई देसाई की समाधि देखने के लिए, और यहाँ पे महात्मा गांधी की भी समाधि बनाई गई उनके याद में, और उनके आशीष भी यहाँ पे रखे गए हैं। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो कि उन्होंने अपना आखिरी वक्त कैसे गुजारा, उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है कस्तूरबा गांधी के बारे में। काफ़ी अच्छी जगह है गाइस, सबको हिस्ट्री के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मालूम पड़ती हैं आने के बाद में। आप देख सकते हो यही समाधि है ये कस्तूरबा गांधी और महादेव भाई देसाई की, और गांधी जी का यहाँ पे और उनकी याद में उन्होंने एक समाधि बनाई है जो जहाँ पे उनके ऐशेज भी रखे गए। गाइस उसके बाद हम चले गए पुणे ओकायामा फ्रेंडशिप गार्डन देखने के लिए, और यहाँ अगर आपको आना है तो 7 days ओपन रहता है, 6 to 10:30 मॉर्निंग में रहता है, उसके बाद 4 खुलता है, 4 to 8 PM ओपन रहता है, और उसका टिकट गाइस 5 rupees रहता है, काफ़ी ज़्यादा चीप लगा मुझे। गाइस इस गार्डन को पु ल देशपांडे गार्डन भी बोलते हैं, जो कि मराठी राइटर थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे वो। गाइस गार्डन इंस्पायर्ड 300-year-old कोराकुएन गार्डन जो कि जापान ओकायामा में है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम पुणे में हैं, ऐसा लग रहा है हम जापान में ही, जैसे वहाँ के जैसे गार्डन्स होते हैं उससे इंस्पायर करके बनाए गए हैं, तो काफ़ी अच्छा मेंटेन है यहाँ पर, बिल्कुल भी कचरा लोग गिराने नहीं दे रहे थे, लोग ये जो ग्रासेस वगैरह उस पर खड़े होने में दे रहे थे, वहाँ पर छोटे छोटे रास्ते बनाए उन्होंने आने जाने के लिए, आप उसी पर ही जा सकते हो, उसी रास्तों का यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा क्लीन था। यहाँ पर बहुत सारी फिशेज भी रख रखी हैं, छोटे छोटे पॉन्ड्स बना रखे हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ आने का। गाइस ये गार्डन 10 acres ऑफ लैंड में फैला हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस लगा मुझे यहाँ आने के बाद। आपको ये गार्डन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएगा, और आपको कुछ भी क्वेरी रहेगी जो भी मैंने चीज़ें विजिट की उसके बारे में वो भी लिख के बताएगा, कुछ भी रहेगा तो मैं उसका आंसर दूंगी। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा आपको भी क्लीन लग ही रहा होगा, उसको बहुत अच्छी तरीके से मेनटेन किया हुआ है। गाइस ये जापानीज़ गार्डन जो होते हैं ना, उनके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि वो अपने हर गार्डन में रखते ही हैं, जैसे फिश पॉन्ड होते हैं, वाटरफॉल होते हैं, स्टोन लैंटर्न्स होते हैं, जापानीज़ ब्रिज, छोटे छोटे ब्रिजेस जो आप देख रहे हो वो सब उसी वैसे ही होते हैं, मतलब जापानीज़ जो भी गार्डन बनाते हैं वो ये सब एलिमेंट्स ध्यान में रख के बनाते हैं, तो वो सब एलिमेंट्स इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से कवर किया था। और मैं जितना हो सका मैंने ट्राई किया आप लोगों के लिए चीज़ें आपको बताओ मैं नई नई चीज़ें नई नई जगहों के बारे में, और अब मैं इसके पार्ट टू वीडियो में ज़रूर मिलूंगी, बहुत जल्दी एक्सप्लोर करने वाले मैं पुणे फिर से, और अगर आपको कुछ क्वेरी देगी तो कमेंट जरूर लिख के बताएगा। आपको मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे।